तो भैया देख लो, बड़ी मशक्कतें करने के बाद इसका हैंडल बाहर निकल गया। तो इसको लगाएंगे, इसको दे देंगे मोहसिन भाई को लगाएंगे। ये देख लो भैया, लास्ट फाइनल चार नट ये खुल रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों खोल के और निकल गया ये हैंडल। देख लो भाई बिना हैंडल के कैसी लगती है स्प्लेंडर, और ये देखो नया वाला हैंडल जो लग रहा है। यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नाइट्रो एक्सट्रीम। और भाई साहब कई साहब साहब मस्त होना। तो आज का व्लॉग भाई, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई बाप दादाओं की पसंद की जो गाड़ियां होती है ना, नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको, तो मतलब समझ लो खतरनाक क्लासिक लेजेंडरी गाड़ी है। तो उसमें अभी कुछ मॉडिफिकेशन करवाने चलना है और अभी लेट हो रहा हूं मैं बहुत। तो चलो डायरेक्ट मोटर व्लॉग पे चलते हैं और फिर मैं मोटर व्लॉग में आपको थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ, ठीक चले। तो उससे पहले एक चीज बता दी, सुन लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे छोटे भाई का चैनल है, ठीक है। और ओवर एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना, तो कमेंट में मत लिखना कि तुम ₹50 काटो ओवर एक्टिंग में। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे छोटे भाई का चैनल है, हम ग्रो हो जाएंगे, मजा आया भाई, चुम्मा ले लो मैं। तो चलो चलते, चलो भाई। तो भैया मोटर व्लॉग पे अपन आ गए हैं और अभी का सीन ये है कि आपको बहुत ही अजीब दिख रहा होगा क्योंकि हैंडल ये टेढ़ा है भाई पूरा। अब इसकी स्टोरी क्या है मैं बताता हूँ। ये भाई देखो, कोई मतलब बंदा लेके जा रहा था इसको, और फिर उसने इसको इतना गंदा भेड़ा कि इसका हैंडल इतना गंदा टेढ़ा होगा कि आपको को अभी दिख ही रहा होगा एंगल में। और अभी ये ज़रूरी बन गया था क्योंकि भाई गाड़ी सही से चला नहीं मिल रही थी, मतलब चल नहीं रही थी सही से, हैंडलिंग नहीं हो पा रही थी सही से। अब हैंडल बहुत ज़रूरी चीज़ होता है भाई, तो अगर वही नहीं सही होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, समझ रहा हो। तो अभी सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं पीर गेट की तरफ और वहाँ पे जाके हैंडल इसका चेंज कराएंगे। अब देखते हैं कौन सा हैंडल कराएंगे, वो तो अभी नहीं मालूम, लेकिन कोई अच्छा सा ही हैंडल कराएंगे। अब देखते हैं, मैं पूरा आपको कॉस्ट बताता हूँ कि क्या कॉस्ट आई, और उसके बाद में फिटिंग विटिंग का की सब पूरा कॉस्ट और कैसे फिटिंग फिट होता है ये भी दिखाऊँगा। अब चलते हैं डायरेक्ट पीर गेट की तरफ और आज शॉर्टकट से चलेंगे। अब देखते हैं शॉर्टकट पर अगर जाम लगा तो वो शॉर्टकट बचेगा नहीं, वो लॉन्ग कट ही हो जाएगा एट दी एंड। बाकी चलो चलना है भाई, यहाँ पे भीड़ तो बहुत रहती है, बुधवारे में अति भीड़ रहती है भाई। अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है इसलिए है नहीं, ठंडियों में तो आए है मज़ा आ जाता है, इतना गंदा जाम लगता है क्या बताऊँ मैं। और पता है मुझे बहुत अजीब लग रही है गाड़ी, ऐसा शॉर्टकट लेके चलूँगा ना कि जहाँ आधे घंटे में पहुँचना होगा वहाँ 45 मिनट में पहुँचूँगा मैं, समझ रहा हूँ। मेन रोड से जाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए मैं गलियों से जा रहा हूँ, यही वजह है, ठीक है। और कोई वजह नहीं है, यही वजह है अंदर गलियों से जाने का। आप सभी को पता है कहाँ पे जाऊँगा मैं, बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। जिसको नहीं पता, जो नए व्यूवर्स हैं, मैं बता दूँ, अभी जा रहा हूँ मैं रिलायबल ग्राफिक्स पे, वहीं पे ही अपना काम मतलब बढ़िया से होता है। और इससे पहले मेरी गाड़ी का नया लुक वाला व्लॉग जिसने नहीं देखा भाई, आई बटन में आ रहा हुआ है, देख लेना यहाँ कोने में, और उस पर टैप करोगे आ जाएगा, वहीं देख लेना। बाकी अब चल रहे हैं भाई गाड़ी यहाँ से लेके, आज इसका हैंडल चेंज करवाते हैं फाइनली, क्योंकि भाई ये गाड़ी जो है ये डेली चलने वाली है, इसको ऐसे रखना मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि भाई जो गाड़ियाँ डेली चलती हैं उनको टिप टॉप रखना पड़ता है, समझ रहा हूँ। पता है बहुत अजीब लग रही है मुझे गाड़ी, मैं सही से हैंडलिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। बस ज़्यादा दूर नहीं बचा, अपन आ ही गए, बस ये वाली गली सीधी निकलनी है अपन को और अपन आ गए पीर गेट पे। अब चलते हैं यहाँ से, और रिएक्शन तो भाई ख़तरनाक वाले ही मिलते हैं जब अपन मोटर व्लॉगिंग करते हैं। तो भाई अभी का सीन ये है कि हम लोग पीर गेट के मार्केट पे, ये आगे से आएगा राइट टर्न, यहाँ से मुड़ेंगे और अपन पहुँच गए पीर गेट के मार्केट पे, और बहुत ही जल्दी यहाँ से पहुँचाऊँ मैं क्योंकि अंदर गली है। और टचवुड आज अपन को भाई ट्रैफिक नहीं मिला, और ये वाला रोड मैं दिखा रहा था आपको, इब्राहिमपुर वाला रोड, यहाँ से जाता ना तो पक्का बहुत गंदा वाला ट्रैफिक मिलता आता तो यहाँ से। अच्छा अभी तक का व्लॉग किस किस को मेरा अच्छा लगा भाई बताना कमेंट में। और ये स्कॉर्पियो के अलॉयज सही लग रहे हैं यार, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं बात करते हैं भाई से। 10 minutes later. तो भैया गाड़ी यहाँ पर अपनी लग चुकी है, और मतलब अभी तो भाई लोग जा रहे हैं खाना खाने, और खाना खा लेंगे फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। और ज़्यादा जो काम है वो ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, अपन ऊपर चलते हैं बैठते हैं जब तक ये खाना खा लेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एसेसरीज दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको पिछली वाले व्लॉग में मैं एसेसरीज दिखा तो चुका हूँ, लेकिन आप देख सकते हो ये पूरा बुलेट की लाइट का लाइनअप है, और देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइन है, ये नॉर्मल जो यूनिवर्सल लाइट्स आते हैं उसका लाइनअप है जो गाड़ियों में लग जाता है। और ये मिरर्स हैंगे, ये अपने स्टेल्थ मिरर जो रिजोमा के आते हैं उन्हीं की कॉपी है ये, और ये जो स्टेल्थ मिरर जो मतलब रिजोमा ने नया वाला मॉडल निकाला है S1000 और R1 के लिए वो है,
मतलब उसी का कॉपी है, तो डिज़ाइन वही है। और ये एक आया था बीच में, और ये हैंगे टेनार वाले मिरर्स, ठीक है, ऊपर भी टेनार वाले हैं, ऊपर भी, उसके ऊपर भी टेनार वाले। और यहाँ पे बहुत सारे भतेरे एसेसरीज हैं भाई, ये देखो साइड के प्रोटेक्टर्स होते हैं हैंडल वाले, और मोबाइल कवर, और यहाँ पे पूरे मतलब साइड ग्लास और टेल्ट आईडी है ड्यूक का, ये अपना जो सामने लगता है मास्क पे ब्रेम्बो के ब्रेक्स, और अपना टेल्ट आईडी, फिर स्प्लेंडर की लाइट अच्छी लग रही है, और बाकी यहाँ पे भी टेल्ट आईडी, यहाँ पे मोबाइल का माउंट, और बहुत सारी एसेसरीज हैं यहाँ पे, पूरा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैगा, और यहाँ पे लाइट्स हैं, फिर प्रोटेक्शन से रिलेटेड ग्रिप्स हैं वहाँ पे। और मैं इसी की बात कर रहा था, ये हैंगे रिजोमा वाले मतलब मिरर्स, जो मतलब कॉपी हैं। और यहाँ पे हैं पूरे मॉक्सी के लिवर्स जो यूनिवर्सल हैं, स्पोर्ट्स बाइक में लगते हैं। और यहाँ पे ग्रिप्स हैं पूरा, यहाँ पे टैंक पैड्स हैं, ऊपर भी अपना ग्रिप्स वगैरह और मिरर वगैरह रखे हुए हैं। और अपने को जो चीज़ चाहिए वो है यहाँ पे, मतलब ये हैंगे हैंडल बार स्प्लेंडर के लिए। अब देखते हैं कौन सा वाला लगवाएंगे, वो अभी डिसाइड करेंगे। पहले थोड़ा आपको ये वॉक अराउंड में दे रहा था शॉप का, बाकी अभी कूलर वूलर चल रहा है तो आवाज़ ज़्यादा आ रही। और यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है यहाँ पे, मतलब ये सब गाड़ियों के लेग गार्ड्स और जितने भी प्रोटेक्शन गार्ड्स होते हैं वो रखे हैं। और यहाँ पे सीट्स हैं, बैश प्लेट्स हैं नीचे वाली, ये भी गार्ड्स, और यहाँ पे अपना बैग वगैरह, यहाँ पे अलॉयज हैं बुलेट के, और ये बुलेट का जो आगे है हेडलाइट पे लगता है वो मास्क का कवर, और बुलेट यहाँ पे भी एक लेग गार्ड है। यहाँ पे आरसी का डबल बबल वाइजर जो बहुत ही हिट है, केरला में बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे, मतलब पूरे डबल बबल वाइजर, ठीक है, और R1 के, RC के, पल्सर के, यूनिवर्सल सब है यहाँ पे। हेलमेट की पूरी लाइनअप है, ठीक है, एग्जॉर का हेलमेट है, स्टड्स का है, स्टील बट का है, और मतलब सब यहाँ पे है, वैरायटी है। और यहाँ पे टॉप बॉक्स भी रखा हुआ है, ठीक है, और साइड बैग्स भी हैं, बहुत सारी एसेसरीज है भाई, बहुत मतलब दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी इसे छोटा सा वॉक अराउंड दे रहा हूँ मैं। और ग्लव्स वगैरह भी हैं, ठीक है, तुम्हारा भाई ये रहा। और अभी का सीन ये है, अभी पहले भाई लोग खाना खा लें, फिर उसके बाद में जो मैं आपको हैंडल बार दिखाने का बोल रहा हूँ वो हैंडल बार दिखाऊंगा, फिर उसके बाद काम अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लगवाने का, लगवाना भी तो है, और वहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है, ठीक है, वो देखो खड़ी है। चलते हैं नीचे बैठते हैं, थोड़ा बात बात करते हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। A few inches later. एक चीज तो दिखाने ही भूल गया आपको, ये देखो भाई अपने ग्रुप की फेमस MT जो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड, बहुत लोडेड है, एग्जॉस्ट को छोड़ के भाई हर चीज लगी हुई है इसमें, ठीक है, समझ रहा। और अभी भी ये कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आई है, अभी भी मतलब भाई का मन भरा नहीं, शौकिया लोग जो होते हैं ना, शौकीन लोग वो ऐसे ही होते हैं भाई। और अभी खुली हुई है, अब इसमें शायद से नया रैप हो रहा है, खुली हुई MT 15 देखो कैसी लगती है, अजीब सी, देख के डरना मत, यही MT 15 है। तो भाई अपना जो हैंडल है वो आ चुका है, इसके अंदर हैगा, तो भैया देख लो ग्रिप निकल रही है पहले, और ये तो ऐसी है कट जाती है, ये तो रबड़ वाली रहती है, दोबारा लगती भी नहीं है, और निकल गई तो निकल गई। और इसको निकालने के बाद इसको खोलेंगे, इन दोनों नटों को, ब्रेक और क्लच निकालेंगे, इसको खोलेंगे, और फिर लास्ट में ये चार नट खुलेंगे और निकल जाएगा पूरा हैंडल, और फिर उसके बाद वो वाला हैंडल लगेगा। तो अब ये वाला ग्रिप निकल रहा है, ठीक है, तो भैया देख लो बड़ी मशक्कतें करने के बाद इसका हैंडल बाहर निकल गया, क्योंकि इसमें अंदर लगा होता है ग्लू और जल्दी छोड़ता नहीं है वो। ये देख लो ये वाला नट ढीला कर लिया है, और क्लच वाला, और अब इसको निकाल लेंगे, और अब इस तरफ का काम कर रहे हैं। तो पहले जिप टाई खोलेंगे जो लगी है टाई बेल्ट, जिससे जो वायर है वो हैंडल से चिपके हुए हैं, उसको निकालने के बाद ग्रिप निकाल के इसको निकाल के फिर इसको निकालेंगे। ये देखो भाई 2 मिनट नहीं लगे, इस तरफ का पूरा खुल के आ गया। और ये देखो एक फैक्ट की बात, सबको पता होगा जितना भी ये केसिंग होता है ना, इसके अंदर एक पिन बना होता है, मैं दिखाता हूँ पिन, ये है वो पिन, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और ये जो पिन है इसके अंदर जाके बैठ जाता है, और जिससे ये हिलता नहीं है, मतलब ऐसे जैसे ये हिल रहा है ना, ये हिलता नहीं है, वो एक ही जगह पे रुका रहता है। ये होल सारे हैंडल मतलब सारी गाड़ियों में होता है, ठीक है, सब गाड़ियों में। ये देख लो भैया लास्ट फाइनल चार नट ये खुल रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों खोल के और निकल गया ये हैंडल जो टेढ़ा हो चुका था, अब नया वाला लगेगा वहाँ पे जो रखा हुआ है बॉक्स में, ठीक है। तो अब ये देखो ब्रैकेट खुल गए, अब इसी ब्रैकेट पे फिर से वो लग जाएगा। देख लो भाई बिना हैंडल के कैसी लगती है स्प्लेंडर, और ये देखो नया वाला हैंडल जो लग रहा है, और ये फुली मॉड्यूलर है, तो ये मतलब कैसा भी आप कर सकते हो, और लूज टाइट जैसा आपको करना है, और ऊपर नीचे जैसा भी आपको करना है। अभी इसको पहले लगवाते हैं। Meanwhile, पता है अभी मतलब उसका काम चल रहा है अपनी गाड़ी का, लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी फुटरेस लेने, क्योंकि ब्रेक पेडल की तरफ का वाला जो फुटरेस है वो ढीला हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे मिलेगा नहीं, चल के देखते हैं, पार्ट्स की दुकान तो बहुत सारी है यहाँ पे, और चलो लेते हैं। 2000 years later. भाई ये चीज मिल गई है अपन को, ये रहा फुटरेस ब्रेक की तरफ वाला, क्योंकि जो ब्रेक वाला था उसका वो पूरा हिल रहा था, वो निकल गया था रबर पैडिंग, तो इसको लगाएंगे, इसको दे देंगे मोहसिन भाई को लगाएंगे वो।
तो अभी देख लो इसकी जो ये लगने के बाद ऐसी दिख रही है, लेकिन ये पता है बहुत ज्यादा ही नीचे हो गई राइड हाइट इसकी, और डेली चलाने लायक नहीं बची, तो अपन इसमें राइजर्स लगवा रहे हैं। और ये सीएनसी कटिंग पूरा मशीन है, तो अब इस पे लगवाते हैं, फिर राइजर के बाद दिखाता हूँ कि कितनी हुई है। अभी तो मतलब बहुत नीचे, मतलब बहुत नीचे। 20 मिनट्स लेटर। तो भाई अभी जो काम बचा था मतलब हैंडल का, वो तो अपन ने करवा लिया, और हैंडल कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अपना। और अल्ट्रा वाइड में देखो हैंडल कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना। बाकी ये देख सकते हो पहले से तो बहुत ही बेहतर लग रहा है, और बहुत ही वाइड भी हो चुका है ये हैंडल। और जो पुराना वाला था वहाँ तो वहाँ भाई ने जुगाड़ करके यहाँ पे बांध दिया इसको, और ये देखो कितनी वाइड हो गई है गाड़ी। और आपने ये जो हैंडल है, ज्यादातर जो पंजाब साइड के लोग होते हैं जो अपनी स्प्लेंडर बनवाते हैं, वहाँ पे ये हैंडल आपने ज्यादातर देखा होगा। बाकी मुझे ये हैंडल अच्छा लगा और इसलिए मैंने लगवाया इसको। और हाँ, मैंने इसमें ये देख रहा आप ये चीज, ये इसको हैंडल राइजर्स बोलते हैं, तो ये 1.5 इंच तक ये हैंडल को ऊपर कर देगा, ताकि आप ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो चलाने में, क्योंकि भाई ये एक स्प्लेंडर जो है कंफर्टेबल गाड़ी है, ठीक है, डेली राइड वाली गाड़ी है, इसलिए अपन ने इसको कंफर्ट में भी देखते हुए ये करवाया। और कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। बाकी अभी जो इसका प्राइस है वो मोटो ब्लॉग में बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मोटो ब्लॉग में कैसी लग रही है। बाकी देखो ये है एक्सपल्स ऑफ रोडिंग किंग बजट में, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत लग रही है वाइट कलर में। बाकी अब जा रहे हैं भाई यहाँ से, अब बहुत ही अलग दिख रही है भाई ये, मतलब अलग लग रही है, एकदम अलग ही फील आ रहा है भाई, एकदम लग ही नहीं रहा है स्प्लेंडर है ये। और अब चलते हैं यहाँ से, अब आगे से तो रास्ता नहीं है, पीछे से बैक करके निकालनी पड़ेगी, निकलते हैं इसको। और पतली दुबली से तो है बेचारी, निकल जाती है कहीं से भी। और एक मिनट यार, इसका हैंडल अभी भी टेढ़ा है, एक मिनट मैंने नोटिस करा चलाते वक्त में, वापस से चलना पड़ेगा अपन को। चलो एक मिनट दिखाते हैं यार भाई लोग, तो अपना जो हैंडल है वो सीधा हो चुका है, चलते हैं। इसका हैंडल वैंडल तो अपन ने लगवा लिया है, और बहुत ज़्यादा ही आज लेट हो चुका है भाई, तो चलो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसका प्राइस बता दूं और व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा व्लॉग बन गया है ये। तो भाई इसका जो प्राइस है, तो देखो हैंडल का जो प्राइस है वो 600 रुपये। तो हैंडल में मुझे क्या क्या मैं बताता हूँ आपको, ये रॉड, बीच वाली रॉड ये वाली, और इस तरफ की रॉड, तो ये मतलब टू पीस हैंडल बोलते हैं इसको, इसका नाम है टू पीस हैंडल, ठीक है। और इसका प्राइस जो है टू पीस हैंडल का, इसका 600 रुपये, ठीक है। ये हैंडल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ही नीचे हो रही थी, ठीक है, तो मुझे राइजर भी लगवाने पड़े। ये जो राइजर आपको दिख रहे हैं अलग से लगे हुए, ठीक है, ये 200 रुपीस जो मतलब लेबर लगा, ठीक है, तो टोटल जो मेरे पैसे लगे वो 1300 रुपये लगे सब। और 1300 रुपये में आपको अगर ये जो हैंडल है ये चेंज कराना है, तो आपके लिए वर्थ है, आप करवा सकते हो, ठीक है। और मतलब जिसको ऐसा जो स्पोर्टी हैंडल है ये स्प्लेंडर के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो करवा सकते हैं। और कैसा लगा आज का आपको ये छोटा सा व्लॉग भाई, कमेंट में बताना भाई। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बनाओ। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही लगा है यार, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राहुल जी को ये हैंडल कैसा लगा पूछेंगे उनसे फ़ोन लगा के, ठीक है, और बुलाते हैं राहुल जी को। तो राहुल जी आ जाओ हैंडल देखने के लिए, मिलते हैं, बाय बाय बाय। अच्छा है, बाय बाय बाय, टाटा गुड बाय।